हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है सर्दियों वाली चाय। आप ये चाय एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से चाय पीकर देखिए, आपका तन के साथ साथ मन भी खुश हो जाएगा। इतना टेस्टी लगेगा ये चाय और ये सर्दियों से भी आपको बचाएगा। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों वाली चाय। उसमें मैंने ये 1 कप के करीब पानी ले लिया है और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध ले लेंगे। गैस ऑन करके इसे उबलने देते हैं। जब ये दूध और पानी उबलने लगेगा तो इसमें हम एक टुकड़ा ये गुड़ का डाल देंगे। ये देसी गुड़ है, इतना गुड़ 2 कप चाय के लिए काफ़ी है। और थोड़ा सा ये अदरक कुटा हुआ डाल देंगे। एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे पिसी हुई। और 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे। सभी सामग्री को डालने के बाद हम इस चाय को अच्छे से पकने देंगे 2-3 मिनट तक। और बिल्कुल थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और चाय अच्छे से पकने दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितने अच्छे से हमारा ये चाय पक रहा है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। चाय को बीच बीच में हम इस तरह से हिला देंगे। ये चाय अगर आप सर्दियों में पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। अजवाइन है वो हाजमे के लिए सही रहता है और हल्दी भी शरीर के लिए सर्दियों में फायदेमंद होता है। तो आप इस तरह से डालकर चाय बनाएं, पीकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चाय हमारा पक चुका है तो अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पे ये चाय हम और ये देखिए कितना बढ़िया कलर है इसका। और आप ये चाय एक बार बना के पी के देखिए, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और तन के साथ मन भी इससे सुबह सुबह खुश हो जाएगा।